સુરતમાં ચેઇન સ્નેચિંગ વધી રહેલી ઘટનાઓ વચ્ચે અલથાણ પોલીસે સ્નેચ સર્ચરો ઝડપી પાડી લાખોના મુદ્દા માલ કબજે કર્યો હતો. સુરતમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી ચેઇન સ્નેચિંગ અને મોબાઈલ સ્નેચિંગની ઘટનાઓ બની રહી છે, ત્યારે અલથાણ વિસ્તારમાં વધી રહેલી ચેઇન સ્નેચિંગની ઘટનાઓ વચ્ચે અલથાણ પોલીસ પેટ્રોલિંગ હાથ ધરી રીઢા ચેઇન સ્નેચરોને ઝડપી પાડ્યા હતા. અલથાણ પોલીસે 3 રીઢા ચેઇન સ્નેચરો ઝડપી પાડી તેઓ પાસેથી 3,23,000 મુદ્દા માલ કબજે કર્યો હતો. તો પોલીસે અલથાણ ઉદના લીંબાત વિસ્તારના 5 ગુનાઓના ભેદ ઉકેલી કાઢ્યા છે. અલથાણ પોલીસ સ્ટેશન કે એરિયા મેં ન્યૂ સેટેલાઇટ રોડ પે द इम्प्रेसिया बिल्डिंग है, वहाँ उसके पास में एक चेन स्नेचिंग हुआ था 14 मई को सुबह के समय में. और उसके बाद में जब आसपास के सीसीटीवी देखे तो एक CD100 बाइक जो पुरानी है उस पर कुछ अलग सा नंबर लिखा हुआ था, वो बाइक पे एक आदमी चेन तोड़ के जाता हुआ दिखा. तो उस नंबर की तपास की गई लेकिन RTO से इसकी कोई माहिती मिली नहीं. उसके बाद में CCTV से ट्रैक किया गया तो आरोपी का MO ऐसा था कि वो ये गुनाह करने के बाद में पुलिस को गुमराह करने के लिए उस पुलिस स्टेशन के एरिया में बहुत सारे चक्कर लगाता था, देन आसपास के जो पुलिस स्टेशन एरिया हैं उनमें बहुत सारे चक्कर लगाता था, और अपने जहाँ पे वो रहता है वहाँ तक जाने से पहले वो करीब 1 घंटे तक बाइक पे इधर उधर दूसरी जगह पे चक्कर लगाता था ताकि पुलिस CCTV ट्रैक करने में एकदम से गुमराह हो जाए और उस तक नहीं पहुँच पाए. तो बाद में कई दिन तक जब हम इसको ट्रैक करते रहे तो ये पता लगा कि ये इस एरिया में आता ज़रूर है. तो सर्विलेंस स्टाफ के जो लड़के हैं वो इसकी निगरानी में लगे रहे, टाइम देखा कि किस टाइम पे आता है उस टाइम के हिसाब से. तो एक दिन जब भी आया तो इसको वहाँ पे अलथाण पुलिस स्टेशन के सर्विलेंस स्टाफ के द्वारा डिटेन किया गया. डिटेन करने के बाद में जब पूछताछ की गई तो इसने अपना नाम नौशाद इश्तियाक शेख बताया. ये मूल रूप से प्रयागराज UP का रहने वाला है और अभी ये उदना एरिया में रहता है और मजूरी का काम करता है. और पूछताछ की इसको डिटेन करने के बाद में तो इसने बताया कि अभी तक ये 5 जगह से चैन तोड़ के भाग चुका है, चैन की स्नेचिंग कर चुका है, और वो उसमें से एक अलथाण पुलिस स्टेशन का जो गुना है वो, और दूसरे 2 उदना पुलिस स्टेशन के गुना और 2 लिम्बायत पुलिस स्टेशन के गुना, इस तरह से 5 जगह पर इसने स्नेचिंग का क्राइम करना कबूल किया. इसमें ये नौशाद चैन स्नेच करने के बाद में इसकी गर्लफ्रेंड है रूबीना शकील मिर्जा, ये लिम्बायत में रहती है और कई दिन से रूबीना के साथ में नौशाद का अफेयर है, और ये चैन स्नेच करने के बाद में रूबीना को चैन हैंडओवर करता है. उसके बाद में रूबीना के बगल में एक आदमी रहता है जिसका नाम कुतुबुद्दीन है, वो ये चने की लारी लगाता है. तो रूबीना ये चैन कुतुबुद्दीन को देती है और कुतुबुद्दीन अपने एक जानकार हकीम लियाकत अली, ये सोने का काम करता है और लिम्बायत एरिया में रहता है, मीठी खाड़ी के पास में इसकी दुकान है, तो कुतुबुद्दीन ये उसको दे देता है. तो कुतुबुद्दीन का हल्का सा कुछ शेयर रहता है इसमें से 5 से 10% के बीच में, बाकी जो पैसा है वो रूबीना के पास में आ जाता है. और नौशाद का मोटिव जो है चैन तोड़ने का वो अपने गर्लफ्रेंड को खुश रखने के लिए, तो जो भी पैसा आता है वो रूबीना को देता है. अभी इस केस में 4 आरोपी हैं, उनको अटक किया गया है. तो उसमें नौशाद इम्तियाज शेख जो चैन तोड़ने का